हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू चैनल ऑफ द बक्स यू। सो आज मैंने सोल स्टोर, जो कि काफ़ी रिनोन ब्रांड है क्लोथिंग के मामले में, और मैंने आज इसे एज अ ट्रायल कुछ बॉक्सर्स ऑर्डर किए थे। सो अभी इनको ओपन करते देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है, जैसा ये अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, जस्टिफाई करते हैं। सो क्या वो लोग वैसी क्वालिटी देते हैं, सो हम लोग उसे अनबॉक्स करके देखेंगे। एक्चुअली मैंने 2 बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं और मुझे इसका प्राइस पड़ा है अराउंड 500 रुपीज़। और अभी मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी पैकिंग तो बहुत अच्छी है वैसे। ऊपर से यहाँ पे आपको कूल सी सोल स्टोर की ब्रांडिंग दिख जाती है, और नीचे कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखे हैं प्ले स्टोर ऐप स्टोर वाले, और यहाँ पे है मेरा बिल। सो अभी मैं इसे कट करके ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें कैसी क्वालिटी मिल जाती है। सो लेट्स काफ़ी कूल हमें ये दिख जा रहा है। सोल स्टोर का जो आता है एक पेपर रहा है, काफ़ी अच्छा सा है, बहुत बहुत अच्छा लगा ये। और यहाँ पे हमें दिख जाता है मार्वल सीरीज का ब्लैक पैंथर, और यहाँ पे मेरा लोनली टून्स वाला बॉक्स है। सो ये दोनों ब्रांड के मैंने बॉक्सेस मंगाए, मतलब ये दोनों सीरीज के हैं एक्चुअली। इनके अलग अलग मर्चेंडाइज है, जैसे कि लोनली टून्स था जो कि 90s के डिज़ाइंस बनाते हैं, और एक ये मार्वल का डिज़ाइन बना था, और भी बहुत सारे आपको पसंद आएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, सो ये रहे मेरे 2 बॉक्सर्स, ये रहा 90s किड्स का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोल स्टोर की काफ़ी कूल ब्रांडिंग, और यहाँ पे वही है। और ये एक्चुअली मैंने एकदम अपने परफेक्ट साइज से मंगाया, और यहाँ पे 90s के प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा, जैसा उन्होंने दिखाया था वैसा ही है। और ये है ब्लैक पैंथर का, यहाँ पे आप देख सकते हो इलास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी, मटेरियल क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। यहाँ पे प्रिंट भी इसका बहुत अच्छा है, और यहाँ पे सोल स्टोर की ब्रांडिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करो, और सोल स्टोर को ज़रूर विजिट करो।